फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। 7 दिवसीय महावीर गोल्ड कप का आज समापन हुआ। आज का फिनाले मैच सेवन स्टार्स फुटबॉल क्लब और कैश क्लब के बीच खेला गया, जिसमें सेवन स्टार्स फुटबॉल क्लब ने बाजी मार के चमचमाती हुई ट्रॉफी और 31,000 रुपए के प्राइज मनी को हासिल किया। सेवन स्टार्स क्लब ने कैश क्लब को 2-0 से हराते हुए अपनी जीत दर्ज की। आज महावीर गोल्ड कप के फिनाले में मेरठ के IG समेत बहुत से गणमान्य व्यक्ति भी फिनाले का मैच देखने पहुंचे। आपको बता दें, इस मौके पर BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचे और मैच का लुत्फ उठाया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सर, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम हुआ? निश्चित तौर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट इस मैदान पर हुआ है, इसके लिए मैं महावीर गोल्ड कप आयोजित करने वाले टीम को पूरी बधाई देता हूँ। और खिलाड़ियों ने भी जिस तरह से खेल भावना पर खेला, आखिर में थोड़ी गड़बड़ जरूर है, लेकिन मैं जो भी टीम विजयी होगी उसको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आज विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरे देश की महिला शक्ति को मैं आज बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ और भरोसा करता हूँ कि राष्ट्र के विकास में उनका अहम योगदान बना रहेगा। आज समापन और महिला दिवस के मौके पर हमने महावीर एजुकेशन पार्क की चेयरपर्सन मनिका शर्मा से भी बात की। मैम, इतना बड़ा आयोजन आज सफल रहा, आज फिनाले था उसका, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी होंगी, तो वो दिक्कतों को कैसे फेस किया आपने? इन दिक्कतों को हम लोगों ने, टीम वर्क हमारे पास था, सभी स्टाफ, सभी हमारे आयोजक, सभी हम लोगों के मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स थे, हम लोगों के फैमिली मेंबर्स थे, सभी लोगों ने मिलकर इसके अंदर एफर्ट्स किए और आज महावीर गोल्ड कप का फाइनल मैच हुआ और ये बहुत सफल रहा। मेरठ में पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया गया था, जिसके अंदर मेरठ के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए। 7 दिन तक का आयोजन रहा, 7 दिन तक यहाँ पर VIP और डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने आकर अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आज के मैच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें ये हुई, क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैच चल रहा था, उस मैच के बीच में खिलाड़ियों को एक को चोट लग गई थी पैर में, उसके फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से मैच थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब हो गया और एक टीम जो थी वो जीत रही थी तो दूसरी टीम उससे हार रही थी 2 गोल से। इस वजह से उस टीम ने थोड़ा सा वॉकआउट किया, थोड़ा सी प्रॉब्लम वहाँ पर आई, बट अल्टीमेटली एंड द रिजल्ट ये रहा कि यह सब अच्छे से हुआ और जो विजेता टीम थी वो अपना 31,000 का प्राइज लेकर यहाँ पर गई और अपनी ट्रॉफी यहाँ से लेकर गई। जी, तो मैम, कितने आपके स्टाफ, आपके सहकर्मी वगैरह कितने कोऑपरेटिव रहे आपके साथ? सभी उन्हीं लोगों की वजह से हुआ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मेन कोऑपरेशन उन्हीं स्टाफ मेंबर्स का रहा, चाहे वो स्टाफ हमारा टीचिंग स्टाफ था, चाहे हमारे दूसरे कर्मचारी थे 4th क्लास से, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम किया। बीच में थोड़ी सी बारिश की वजह से प्रॉब्लम्स आई, उस टाइम पे पूरे ग्राउंड को हमारे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ ने खुद यहाँ पर आकर झाड़ू लगाकर सुखा कर इस मैदान को खेलने के लायक बनाया। साथ ही जानते हैं इस मौके पर क्या बता रहे हैं महावीर एजुकेशन पार्क के डायरेक्टर जनरल सतीश राघव, डायरेक्टर अनुराग शर्मा और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन विक्रांत यादव। आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है सतीश राघव। और यहाँ पर किस तौर पे बतौर आप क्या? यहाँ डायरेक्टर जनरल हूँ मैं, इस ग्रुप महावीर ग्रुप का डायरेक्टर जनरल हूँ। सर, तो इतने बड़े आयोजन का आज समापन था, तो आप ये और सेवन स्टार्स फुटबॉल क्लब ने इसे जीता, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो है आज का जो फाइनल हुआ बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही रोचनीय हुआ और जो इस टीम को ये जो अवार्ड मिला है इसे मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये जो महावीर गोल्ड कप का जो आयोजन करवाया गया है, इस आयोजन के सभी सदस्यों का और जो है इनके जो अध्यक्ष हैं मनका मैम का और इस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर धर्मेंद्र भारद्वाज जी का, इन सभी के सहयोग से ही इतने बड़े स्तर पर ये आयोजन संपन्न हो पाया है और भविष्य में ये कामना करते हैं कि ये इसी तरह आयोजन कराते रहें और सभी को इसी तरह सम्मान मिलता रहे। अनुराग शर्मा। सर, आप बताओ यहाँ पर किस पोजिशन? मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ महावीर एजुकेशन पार्क में और ये महावीर गोल्ड कप की जो शुरुआत आरम्भ हुआ है वो बहुत मेरठ के लिए एक दिशा देने वाला है और इससे आने वाले समय में यहाँ हम मेरठ के जो हमारे नए बच्चे हैं जिनको खेल का खेल में अभाव बना हुआ था फुटबॉल मैच में, तो फुटबॉल मैच की जो गोल्ड कप की जो शुरुआत हुई, आरंभ हुआ है, ये मेरठ में इन सभी के लिए एक नई दिशा देने वाला होगा और मेरठ की इस जमी से
भारतवर्ष को ही नहीं, और मैं शुभकामनाओं के साथ कहता हूं कि पूरे संसार में इस महावीर गोल्ड कप के द्वारा निकले हुए खिलाड़ियों से जो है वो अपना अपना नाम जो है संसार में पूरे भारतवर्ष में कर। मेरा नाम विक्रांत यादव। सर बताओ आप किस पोजीशन पे आप यहाँ? डायरेक्टर एडमिन महावीर एजुकेशन पार्क पर कार्यरत हूँ। तो इतने बड़े आयोजन का समापन रहा, आपको कैसा फील हो रहा है? ये इतना बड़ा आयोजन ये सफल रहा? ये भव्य आयोजन हमारे संस्थापक श्री केडी शर्मा जी, मनिका शर्मा जी और हमारे चेयरमैन धर्मेंद्र भारद्वाज जी की एक सोच थी कि एक महावीर गोल्ड कप का हम आयोजन मेरठ शहर में करें, जिससे हम फुटबॉल को आगे ले जा सकें। और इतना सुंदर आयोजन हुआ कि मेरठ में ऐसा फुटबॉल का आयोजन आज तक नहीं हुआ है, और ये हम प्रतिवर्ष इसका फुटबॉल का आयोजन कराएंगे, जिससे कि भारत में नहीं विश्व में भी हमारी जो खिलाड़ी हैं मेरठ के वो आगे निकले। जैसे आप देख रहे हैं क्रिकेट में मेरठ का नाम रोशन हो रहा है क्रिकेट में, कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे निकल के जा रहे हैं, जैसे प्रवीण कुमार जी और करण शर्मा जी। और प्रवीण कुमार तो सबसे पहले रहे, उसके बाद अपने अभी 19 में प्रियम गर्ग ने बहुत अच्छा हो किया कि वो उसमें रहे। तो ऐसे ही हमारा प्रयास है कि हम फुटबॉल को आगे ले जाएं और मेरठ का नाम रोशन करें। तो सर जैसे ये मैच तो बहुत अच्छा चला लेकिन लास्ट में गड़बड़ हो गई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो एक खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलना चाहिए, रेफरी जो है रेफरी पैनल की बात माननी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर आयोजन रहा पिछले 1 तारीख से, और ये 8 तारीख हमारा समापन रहा बहुत अच्छी तरीके से। भाग की हमारी इसमें 20 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 14 टीमें यहाँ की थी और अपनी 6 टीमें बाहर की थी। तो ये सुंदर आयोजन है, ये तो खेल है, खेल की भावना से खेलना चाहिए, और फिर भी बहुत सुंदर आयोजन हुआ जिसमें हमने 31,000 रुपये फर्स्ट टीम को और 21,000 रुपये सेकंड टीम को हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, और इतनी सुंदर ट्रॉफी आज तक मेरठ में नहीं दी गई। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।